हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी सिंह, आरवी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वार्म गियर बॉक्स के बारे में, एक्चुअली वार्म गियर बॉक्स की बैरिंग और ऑयल सील डिटेल के बारे में। ये हमारा U400 गियर बॉक्स है, एक्चुअली यू सीरीज का सबसे स्मॉलेस्ट गियर बॉक्स होता है U400। तो इसकी बैरिंग और ऑयल सील के बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिकली क्या रहता है, सिंगल स्टेज का गियर बॉक्स है। इसमें वार्म शाफ्ट होती है और एक व्हील शाफ्ट रहती है। वार्म शाफ्ट एक्चुअली इनपुट रहता है इसका, जो कि हमारा मोटर से कनेक्टर रहता है, और व्हील शाफ्ट हमारा आउटपुट शाफ्ट रहता है, जो कि जिस मशीन पे लगाया गया है उससे कनेक्टेड रहता है कपलिंग के थ्रू। इस गियरबॉक्स का मॉडल U400 है, रेशियो है 70:1 और हैंडिंग है L। एक्चुअली हैंडिंग क्या होता है कि अगर हम गियरबॉक्स के इनपुट साइड में खड़े हैं और आउटपुट हमारा लेफ्ट में निकल रहा है तो L होता है, और राइट में निकल रहा है तो R हैंडिंग होती है। और ऑयल सील और बैरिंग का कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता इसके रेशियो से, चाहे वो 10:1 का हो, 20:1 का हो या 70:1 का हो, वो सेम ही बैरिंग हर रेशियो में लगेंगी। और यहाँ तक इवन अगर गियरबॉक्स यू टाइप का है या वो टाइप का है या वी टाइप का वर्टिकल में लगा हुआ है, तब भी बैरिंग और ऑयल सील सेम ही रहते हैं। जबकि हेलिकल सीरीज में ऐसा नहीं है, हेलिकल में अगर रेशियो चेंज होगा तो इनपुट का बैरिंग और ऑयल सील चेंज हो जाता है, बाकी आउटपुट और बीच की शाफ्टों का सेम बैरिंग ऑयल सील रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट शाफ्ट की जो बैरिंग होती है वो उसका नंबर होता है 31309, दो नंबर बैरिंग लगती हैं वार्म शाफ्ट के ऊपर इनपुट शाफ्ट पे, और आउटपुट शाफ्ट का मतलब व्हील शाफ्ट के ऊपर में लगती है 32210, दो नंबर 32210, दो नंबर बैरिंग लगती हैं। और ऑयल सील पे आते हैं तो ऑयल सील हमारी इनपुट में लगती है 35477, 35×47×7, दो नंबर क्वांटिटी होती है, एक मोटर साइड में लगती है और एक फाइन साइड में लगती है। और आउटपुट पे लगती है 48628 की एक ऑयल सील, जो कि ऑयल कैचर में जो आउटपुट शाफ्ट निकल रही है वहाँ पे ऑयल कैचर में लगाई जाती है, 48628 एक नंबर लगती है। तो ये रहा इसकी बैरिंग और ऑयल सील का डिटेल। और इसके जो बैरिंग लगाएंगे उसमें क्लियरेंस क्या रहता है वो मैं अभी इसमें अपडेट कर देता हूँ, पीछे एक सीट वो आप देख लीजिए। किसी भी गियर बॉक्स में जो एक्सेल फ्लोट रहता है, अगर टेपर रोलर बैरिंग लगा हुआ है तो उसका एक्सेल फ्लोट बटे दो ही बैरिंग क्लियरेंस होता है, अगर एक शाफ्ट पे दो बैरिंग लगी हुई हैं तो। अगर एक्सेल फ्लोट हमारा 0.2 है, इसका मतलब ईच बैरिंग का जो क्लियरेंस होगा वो 0.1 रहेगा, 0.1 फ्रंट वाली का और 0.1 बैक वाली का, रियर वाली का। बैरिंग रिप्लेसमेंट करने के बाद में जब हमको गियर बॉक्स असेंबल करना है तो हमको एक बार इसका टीथ कांटेक्ट अवश्य चेक करना है, इसको ब्लू मैचिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वार्म शाफ्ट पे ब्लू लगा दिया जाता है और गियर बॉक्स को अपना व्हील शाफ्ट को हम घुमाते हैं, और व्हील शाफ्ट के ऊपर में जो इम्प्रेशन आता है वार्म शाफ्ट का उसको देखना होता है। इसलिए हमको क्या करना होता है, वार्म शाफ्ट का सेंटर और व्हील शाफ्ट का सेंटर बिल्कुल 0-0 हो जाए तभी इसकी हमको फुल लाइफ मिलेगी, अदरवाइज ये प्रीमैच्योर फेलियर हो जाता है। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है तो सेंटर वाला जहां करेक्ट लिखा हुआ है इस टाइप का इसमें कांटेक्ट आना चाहिए। इसको क्या करेंगे, आउटपुट शाफ्ट को थोड़ा सा लेफ्ट या राइट मूव करेंगे, उसके लिए सिम जो लगी होंगी तो इधर का सिम उधर या उधर का सिम इधर करके हमको करेक्ट वाली मार्किंग ले आनी है, तभी गियरबॉक्स को असेंबल करना है। अगर ऐसा नहीं होगा, राइट हैंड वाला या लेफ्ट हैंड वाला जैसा होगा तो प्रीमैच्योर फेलियर होने की संभावना रहेगी, तो हमको करेक्ट ब्लू मैचिंग करनी है, उसके बाद गियरबॉक्स को असेंबल करना है। वार्म गियरबॉक्स में ब्लू मैचिंग की आवश्यकता जब हम हैंडलिंग चेंज करते हैं गियरबॉक्स की, यानी आउटपुट शाफ्ट को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करते हैं तब आवश्यकता पड़ती है, या बैरिंग्स वगैरह रिप्लेसमेंट करते हैं और हॉलिंग करते हैं गियरबॉक्स की, तब हमको ब्लू मैचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। गियरबॉक्स असेंबली के टाइम में हमको एक्सेल फ्लोट या बैरिंग क्लियरेंस प्रॉपर मेंटेन करना है, जो कि ऑयल कैचर के साथ सिम नंबर ऑफ सिम घटा या बढ़ा करके एडजस्टमेंट किया जाता है। रिकमेंडेड चार्ट आपका गियरबॉक्स वाइज लगा हुआ है, इसके अनुसार मेंटेन करना है। अगर हमारा क्लियरेंस कम रहेगा तो हमारा तो बैरिंग में ऑयल की लेयर जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, जिससे बैरिंग प्रीमैच्योर फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। और एक्सेल क्लियरेंस अगर ज़्यादा है तो रनिंग में नॉइज़ करेगा गियरबॉक्स, इसलिए हमको रिकमेंडेड चार्ट के अनुसार ही क्लियरेंस मेंटेन करना है।
आयल कैचर के साथ लगी हुई सिम को घटा के या बढ़ा करके या नंबर ऑफ क्वांटिटी कम या ज़्यादा करके बैरिंग क्लियरेंस या एक्सेल फ्लोट मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें एक्सेल फ्लोट ही बैरिंग क्लियरेंस होता है, एक्सेल फ्लोट बटे दो बराबर बैरिंग क्लियरेंस। बैरिंग और आयल सील डिटेल का ये पहला वीडियो है U400 गियरबॉक्स का। प्रीमियम मेक के U400 के बाद में 500, U600, 700, 800, 900 और U1000, U1200 एंड U1400 के भी हम आयल सील और बैरिंग डिटेल के वीडियो अपलोड करेंगे। बस इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कोई भी गियरबॉक्स से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएं, हम उसको पूरा करने की अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।